फाइंड द सम ऑफ डिजिट गिवन नंबर इन सी प्रोग्राम। सबसे पहले हैज इंक्लूड इंक्लूड स्टूडियो डॉट कॉम कॉनियो डॉट कॉम, उसके बाद से एक फंक्शन बनाएंगे। गलती से उठ के आ चुका है यहाँ पे, सेटिंग है। उसके बाद से इंट डिजिट सम इंट एन ले लेंगे, उसके बाद से इंटीजर लास्ट ये ले लेंगे लास्ट डिजिट एंड सम इनिशियलाइज कर लेंगे जीरो से, ठीक। वाइल एन इज इक्वल टू जीरो, तो अगर ये अगर जीरो नहीं आएगा तो लास्ट डिजिट तो मॉड निकालेंगे, उसके बाद से सम जो लास्ट डिजिट में बचेगा, जैसे मान लीजिए 5 3, तो अगर मॉड से करेंगे 3 निकल जाएगा, तो 3 लास्ट डिजिट और सम 0 है 3 3 हो जाएगा, 0 और 3 3 हो जाएगा। फिर से वही एन को जैसे 5 3 डी लें उसमें हम लोग 10 से भाग कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे तो इसमें हमको 5 आएगा, ठीक। ये रिमाइंडर नहीं देता है, ये मॉड रिमाइंडर देता है, ठीक। उसके बाद से रिटर्न हम करा लेंगे सम, उसके बाद से मेन पॉइंट ये अपना प्रिंट कराने के लिए लिख लेंगे। इससे बेसिक है इंटीजर इंट मेन फंक्शन कॉल करेगा, फंक्शन है। उसके बाद से इंट एन इनिशलाइज करेंगे एन को, उसके बाद से इंटर द नंबर एंड स्कैनफ इनपुट नंबर स्टोर करा एड्रेस कर लेंगे स्टोर कर लेंगे। उसके बाद सम ऑफ द डिजिट्स इज ये फंक्शन कॉल करा लेंगे ये वाला फंक्शन, ठीक। ये हो गया, उसके बाद चलिए रन करते हैं। मान लीजिए 5 4 3 2 इंटर आया, जैसे 5 3 2 3 5 5 4 9 9 14 14 आंसर आ गया सम ऑफ डिजिट, ओके। फिर से एक बार और रन करते हैं, ये लेते हैं 6 7 देखिए 27 3 2 3 5 5 5 5 10 10 4 10 4 14 14 7 27 एंड लास्ट आई वांट से समथिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।